कई सौ साल गुजरने के बावजूद आज भी दुनिया में कई ऐसी हैरत अंगेज तमीरात मौजूद हैं जिनसे वाबस्ता पुर इसरार राजों से माहिरीन पर्दा नहीं उठा सके। ये तमीरात क्यों तख्लीक की गईं, इनको बताने वाले कहां गए, कैसे तमीर किया गया और बाज स्ट्रक्चर के बारे में तो ये भी कोई नहीं जानता इन्हें किसने तमीर किया। तारीख दान इन तमीरात के हवाले से मुतअद्दिद नजरियात पेश कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई हतमी जवाब नहीं दिया जा सका, जिसकी वजह से कई सदियां कबल तामीर होने वाले ये स्ट्रक्चर आज भी एक पर इसरार राज बने हुए हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तारीखी स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नाजरीन, पहले नंबर पर आ जाता है मिटोरा। ये उन छह खानकाहों में से एक खानकाह है जो कि बुलंद तरीन चट्टानों पर तामीर की गई हैं। यूनान में वाकई ये नाकाबिले यकीन तामीरात 14वीं सदी के दौरान उस वक्त तामीर की गई जब तुर्क इस मुल्क पर कब्जा होने की कोशिश कर रहे थे। ताहम सवाल ये पैदा होता है, उस दौर में इतने बुलंद तरीन मुकाम तक पहुँचा कैसे गया? बज़ाहिर तो यही हल दिखाई देता है कि यहाँ तक खुद और तामीराती मटेरियल पहुँचाने के लिए रस्सी या उसकी बनी सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी बुलंदी देख कर यह भी नामुमकिन लगता है। इस चट्टान की बुलंदी 373 मीटर है और आज तक माहिरीन इस राज से पर्दा उठाने में नाकाम हैं। टियोटियोकान, ये मेक्सिको का एक कदीम शहर है जहां कभी 1,25,000 अफराद आबाद हुआ करते थे और इसे कई खानदानों के लिए इंतहाई मुनफरिद डिजाइन के साथ तमीर किया गया था। यहां एक अहराम भी मौजूद है। ताहम माहिरीन आज तक ये जानने में नाकाम है कि इसे क्यों और किसने तमीर किया था। इस शहर की तारीख 250 ईस्वी से जा मिलती है। वैली ऑफ लव, आयरलैंड में वाकई इस इलाके के लोगों के बारे में मशहूर है कि इनके दरमियान स्ट्रक्चर तमीर करने का एक पुरइसरार मुकाबला हुआ करता था। यहाँ मौजूद स्ट्रक्चर या फन पारे आज भी हैरत अंगेज हालत में मौजूद हैं, जबकि ये अहरामों से भी ज्यादा कदीम हैं। जिन सवालात के जवाबात माहिरीन आज तक नहीं तलाश कर पाए वो ये है कि स्ट्रक्चर किसने और कैसे तमीर किए और वो लोग कहाँ गायब हो गए। नाजका लाइन्स, पेरू के नाजका सहरा में 500 कबल मसीह में आबाद एक कदीम कौम ने चंद अजीबोगरीब ड्राइंग अपने पीछे छोड़ी है। माहिरीन इस राज से पर्दा उठाने में नाकाम हैं कि ये इन ड्राइंग का मतलब क्या है और उन्हें क्यों तख्लीक किया गया। इस सहरा में मुतअद्दिद ऐसी ड्राइंग मौजूद हैं और सबसे बड़ी ड्राइंग 660 फीट पर फैली हुई है। द ट्रेजरी ऑफ पेट्रा, उर्दुन का यह शहर 2वीं सदी के दौरान तामीर किया गया। यह शहर जेरे जमीन कायम किया गया और अब तक सिर्फ 15% ही दरियाफ्त किया गया है। इस शहर में एक बुलंद बाला दाखिली दरवाजा भी मौजूद है जिसे हॉलीवुड ने अपनी एक फिल्म में भी इस्तेमाल किया। यह दरवाजा या रास्ता पहाड़ को काट कर बनाया गया है और 250 फीट बुलंद है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि इतने बड़े दाखिली रास्ते की तामीर की जरूरत क्या थी। बाज लोगों के नजदीक ये एक देवता का मंदिर था। गोबेकली टेपे, तुर्की में एक पहाड़ की बुलंदी पर अहराम मिस्र से भी 7,000 कबल अजीब गरीब सतून तमीर किए गए जिन पर तराश खराश के जरिए जानवरों की शक्ल नुमा तस्वीर तख्लीक की गई हैं। हर सतून 20 फीट बुलंद है और इनका वजन 20 टन है। ताहम माहिरीन ये जानने में नाकाम रहे कि इन अजीब गरीब सतूनों की तमीर का मकसद क्या था और इन्हें क्यों तमीर किया गया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी तारीखी और पुर इसरार स्ट्रक्चर के बारे में जान सकें। कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।